हेलो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद अंशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप अपनी स्किन को टाइट कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है ढीली हो गई है, आपकी जो स्किन है लूज हो गई है, लचीलापन आपके स्किन पे आ गया है, या एंटी एजिंग की प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं झुर्रियां हमारे फेस पर आ गई, तो इन सारी प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस होम रेमेडी से, किस किचन के ऐसे इंग्रेडिएंट आप यूज करें जिससे आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाए, आपको मार्केट ना जाना पड़े और घरेलू नुस्खे से ही आप अपनी स्किन को टाइट और ब्राइट कर सके। तो चलिए गाइज, मैं आपको बता दूं किस तरह आपने इसे बनाना है। यहाँ पे गाइज मैंने दालचीनी लिया है। सबसे पहले आपने दालचीनी का पाउडर लेना है और दालचीनी में गाइज ना एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे फेस से जो पिंपल्स या मुहासे होते हैं उन्हें रिमूव करती हैं, एंड साथ ही साथ हमारे फेस पर जो भी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम्स होती है वो भी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। एंड दालचीनी में आपको दिखा दूँ दालचीनी होता है क्या। गाइज दालचीनी एक्चुअली इसे ना हम मसाले के रूप में अपने किचन में यूज़ करते हैं गाइज, तो दालचीनी इस तरह होता है। इसका आपने पाउडर बना लेना है या आप मार्केट में अगर चाहेंगे तो आपको इसका पाउडर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने गाइज दालचीनी लेना है, उसके बाद आपने लेना है गाइस कॉफ़ी। कॉफ़ी का कोई भी छोटा सा पैकेट आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्या कहते हैं आपके पास अगर घर में पड़ी है किचन में तो आप उसे ले सकते हैं, या आप चाहें तो 5 रुपये वाला पैकेट लेकर के यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे लगाने से आपकी स्किन का जो कलर है ना वो अगर डार्क कलर है तो वो लाइट हो जाता है गाइज, एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को ये ब्राइट करती है। एंड एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है आपके फेस पर, जो समय टाइम से पहले एज से पहले जो झुर्रियाँ आ जाती हैं वो रिमूव हो जाती है, आपकी स्किन को ये टाइट करता है और आपकी स्किन को ये ब्राइट करता है। उसके बाद गाइज हमने लेना है इसमें एलोवेरा जल। एलोवेरा के बारे में गाइज आप जानते हैं जिस पर्पज से आप इसे यूज करते हैं और उसी आप यूज कर सकते हैं, जिस तरह आप इसे अपने फेस पर इसका बेनिफिट पाना चाहते हैं गाइज। एलोवेरा जो है आपकी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है। अगर आप इसे अपने फेस आपके फेस को ये टाइट भी करता है गाइज, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी हमने लेनी है, और साथ ही साथ आपके फेस का जो है रंगत को निखारता है एंड आपके फेस पे जो भी पिंपल्स या रिंकल्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और उसके बाद गाइज हमने लेना है यहाँ पे ऑलिव ऑयल। तो आपने जैतून का तेल लेना है, आपने जैतून का तेल जो है थोड़ा सा 1 स्पून लेना है, 1 स्पून गाइस ले लेना है, 1 स्पून से थोड़ा सा कम लेना है। उसके बाद आपने इसका थिक पेस्ट बनाना है गाइस, आपने इसका ना थिक पेस्ट बना लेना है जिससे आपके फेस पर अच्छी तरह इसकी एक मोटी लेयर लग जाए। और जो है आप जिस पर्पज से इसे लगा रहे हैं ना अपनी आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, तो ये आपके फेस पर काफ़ी अच्छे से लग जाए और इसका रिजल्ट जो है आपको अच्छा मिले। तो इसे गाइज इस तरह आप बनाकर अपने फेस पर लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह आपने अपने पेस्ट को मिक्स कर लेना है गाइज। ये हमारा थिक पेस्ट जो है रेडी हो गया, आपने इस तरह बिल्कुल थिक पेस्ट बना लेना है। एंड हाँ गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप दालचीनी में, क्या कहते हैं, आपने दालचीनी अपने फेस पर आप पहली बार लगा रहे हैं, आपने इसके पहले नहीं लगाया है, तो आप ना इसे लगाने से पहले आप एक बार दालचीनी में एलोवेरा जेल मिला के उसे अपने फेस पर अपने कोहनी पर लगाकर उसका पैच टेस्ट कर लें कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपको कोई खुजली वगैरह या रेड से निशान तो नहीं आते, तो फिर आप इसमें यूज करें। अदरवाइज आप स्किप कर दें, आप केवल इसमें कॉफी, एलोवेरा जेल और जैतून का तेल मिलाकर आप इसका फेस पैक लगाएं तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस, आप जब भी इस पेस्ट को लगाएं ना तो उसकी आप ट्राई करें कि 2-4 घंटे तक आप अपने फेस पर कोई भी कॉस्मेटिक आइटम्स ना लगाएं, कोई भी सॉप वगैरह कुछ भी ना यूज करें, तो फिर आपका इसका जो रिजल्ट होगा ना आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हाँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने दालचीनी को नहीं यूज करना है। अभी गाइज मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, एंड हाँ अभी हमारा जो फेस पैक है ये रेडी है, और अब मैं इसे आपको अपने फेस पर लगा के बताऊंगी किस तरह आपने इसे अपने फेस पर लगाना है। तो इस तरह गाइज आपने इसे एक बार अपने हाथों से मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने ना अपने फेस पर इसे इसकी पतली सी लेयर एक पहले हल्की, आपने जो भी फेस पैक लगाना है ना उसे 2 बारी में लगाना है। इससे क्या होता है गाइज ना आपके फेस पर अच्छी तरह एक थिक सी लेयर लग जाएगी। तो पहले ऐसे पतली सी एक लेयर आपने लगा लेनी है, एंड उसके बाद आपने दूसरी एक मोटी सी लेयर अपने फेस पर लगानी है। इसे लगाने के बाद गाइज ना आपने इसे हल्के गुनगुने पानी से वॉश करना है।
आपने गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है, और अगर आप चाहें तो इसे वीकली वन टाइम यूज कर सकते हैं। अगर दालचीनी से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई एलर्जी नहीं होती, तो आप इसे वीकली वन टाइम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं सूट करती तो आप इसे 15 डेज में यूज कर सकते हैं। अगर केवल आपको थोड़ी सी जलन या खुजली सी होती है तो फिर आप इसे अपने फेस पर लगाकर ज्यादा देर ना रखें, 15 डेज में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, खुजली या कुछ भी नहीं होता, वैसे इसमें कॉफी मिला है गाइस, तो इससे आपको खुजली या रेडिस फार खाने की कोई वो गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज अगर आपको होता है तो फिर आप इसे इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे वीकली वन डे यूज कर सकते हैं। तो अभी गाइस मैं सेकेंड लेयर अपनी लगा रही हूँ। अभी हमने इसे अपने फेस पर इसका फर्स्ट लेयर लगा लिया है। जब आप लगाएंगे ना तो बिल्कुल डार्क सा हो जाएगा ये इस तरह, सेकेंड लेयर, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप दूसरी लेयर लगा रहे हैं। इस तरह लगा लेना है गाइस, और लगाने के बाद आपने इसे ना 20 मिनट्स, जब तक आपका सूख ना जाए, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं गाइस, जब आपका ये सूख जाएगा ना तो फिर आपने इसे वॉश कर लेना है, जितनी देर में आपका ये सूखता है फेस पे। तो अभी मैंने लगा लिया, और अब मैं इसे सूखने के बाद गाइस आपको दिखा दूंगी कि किस तरह सूखने के बाद हो जाता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फेस पैक सूख गया है। अभी गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये सूख गया है, और देखिए मैं इसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी हमारा ये नहीं छूट रहा है। आप जब इसे आप पानी से क्लीन करेंगे ना तभी आपका क्लीन होगा, तो ऐसे आपका जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना तभी आपने करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इसी तरह जब आपका होगा ना तभी आपने इसे वॉश करना है, ये आपकी जो फिंगर है ना वो स्लिप होगी। तो इस तरह आपने गाइस इसे ट्राई कर लेना है, और ट्राई करने के बाद आपने इसे हल्के गुनगुने पानी से आपने इसे वॉश करना है। गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद आपको जो इसका रिजल्ट दिखेगा ना, इस तरह आप ऐसे करके देखेंगे तो आपकी स्किन ना बिल्कुल आपको इस पे आपके फेस पे इसका रिजल्ट नजर आएगा। उसके बाद आपने इसे किसी भी कॉटन कपड़े से या टिश्यू पेपर से आपने इसे वॉश कर लेना है। और गाइज आप इसे वीकली, अगर आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो वन डे, एंड अगर आपको थोड़ी सी इचिंग होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप 15 डेज के बाद इसे आप यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन को टाइट कर सकती हैं। अगर गाइज आपको मेरी ये मेरा ये फेस पैक पसंद आया तो इसे इस तरह बनाकर इसे यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, एंड अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ग्लैम विथ अंशु है। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो देखना है आप मुझे वहां पे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।